नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 13 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 तक देख रहे थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। में फंक्शन दिया गया साइन इनवर्स रूट अंडर 1 - x2। देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू में हम लोग कुछ नहीं दिया गया, सब पर हम लोग क्या करेंगे इसको लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 - x2। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए रूट के अंदर में देखिए इसको मान लीजिए सपोज ये a है, इसको ये b है, तो ये क्या है a स्क्वायर, इसको हम 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो जब कभी दोस्तों लोगों को a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, तो हम लोग इसको x को क्या लेट करेंगे, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा लेट करेंगे। ओके, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ए के जगह पे क्या है 1 है, ए के जगह पे हम ये 1 करेंगे तो एक्स के जगह कितना हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। ए के जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पुट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कि पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। एक्स को कितना पुट करेंगे, साइन थीटा पहला वाला ही हम लोग जनरली यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, साइन इधर आएगा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, इसे पुट कर दीजिए। देखिए ये वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर 1 - x के जगह साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे आगे देखिए वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर 1 - sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस थीटा। ओके, तो साइन इनवर्स के साथ यदि यहाँ पे साइन थीटा यदि रहता है इसका एंगल क्या होता है, थीटा हो जाता है। इस कॉस को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। हम लोग जानते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 - थीटा। ओके, साइन पाई 2 माइनस थीटा को हम क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा ले सकते हैं। ये y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस थीटा को चेंज कर दीजिए साइन थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 - थीटा अकॉर्डिंग टू इसके। और देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये समझिए कि पूरा थीटा है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा। बराबर लिख लीजिए यहाँ पे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब जिसका इनवर्स और वही एंगल यदि रहेगा आगे में वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, सिर्फ रियल क्या बचता है, थीटा बचता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ वैल्यू वाई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे वाई इक्वल टू थीटा, थीटा जब कितना है पाई बाई 2 - थीटा। अब यहाँ थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए तो वाई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 - थीटा। थीटा क्या, देखिए थीटा कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए यहाँ पे। इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा पाई बाई 2 - sin इनवर्स एक्स। आगे देखिए तो डी से वाई को मल्टीप्लाई करते हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 - ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यहाँ पर एक्स को टर्म तो है नहीं, ये हो जाएगा 0 - डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। याद रखिएगा दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन में रूट अंडर 1 - x2। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -1, 0 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 अपॉन रूट अंडर 1 - x2। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का।
आई होप दोस्तों क्वेश्चन 13 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों को दिया गया है, साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन में 2। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रूट अंडर, जब कभी भी हम लोगों को रूट अंडर ए माइनस एक्स के फॉर्म में भी रहेगा तो हम लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। याद रखिएगा कि रूट अंडर ए माइनस एक्स या रूट अंडर ए प्लस एक्स के फॉर्म में रहेगा तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। यहाँ पे देखिए ए के जगह पे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए रूट अंडर ये क्या है 1 माइनस एक्स, ये है ए और ये है एक्स, ए के जगह पे यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे ए के जगह यदि 1 पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा 1 इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ हम पुट करेंगे कि पुट एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा, यहाँ से 2 थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल है 2 थीटा, 2 थीटा का वैल्यू निकाल, दिस कॉस को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 को शिफ्ट करेंगे सर तो 1/2 हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या कर, देखिए इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, थोड़ा लेट कर लेंगे, लेट ये वाई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन में 2, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना, देखिए एक्स इक्वल टू कितना, कॉस 2 थीटा बाई में 2 रूट है। आगे देखिए तो ये जगह y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, याद रखिएगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो गया। अब दोस्तों मतलब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट, देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो यहाँ से क्या बचा वाई इक्वल टू जो एंगल बचा सो यानी कि थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिए तो y इक्वल टू थीटा, थीटा है क्या, थीटा है, थीटा क्या 1/2 cos इनवर्स x है, सुन लीजिए आप 1/2 cos इनवर्स x। अभी सिंपल फॉर्म में आ गया, उसको हम क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ LHS यानी कि y इक्वल टू, ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ RHS यानी कि 1/2 और ये हो जाएगा cos इनवर्स x। ओके आगे देखिए तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए 1/2 क्या कांस्टेंट है तो बाहर आ जाए तो 1/2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ cos इनवर्स x। आगे देखिए ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 1/2 इंटू dy dx ऑफ cos इनवर्स x, फॉर्मूला याद रखिएगा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/1 में रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, यहां बगल में लिख देते हैं कि dy dx ऑफ cos इनवर्स x, जो फॉर्मूला यूज कीजिएगा उसको लिखिएगा ठीक है एग्जाम में, माइनस 1/1 में रूट अंडर ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। आगे देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 इंटू माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में ये 2 टाइम्स रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को याद रखना है कि कहीं भी हम लोग को रूट अंडर ए माइनस एक्स के फॉर्म मिल जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, ए कॉस 2 थीटा लेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ए के जगह कितना है 1, ए के जगह पे हम यहाँ 1 पुट करेंगे, ए रहेगा तो ए पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ए के जगह कितना है 1 तो 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा,
एक्स को हमने क्या किया, कॉस टू थीटा पुट किया, यहाँ से हमने एंगल फाइंड कर लिए हैं और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका फाइनल आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कॉस इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेम प्रीवियस क्वेश्चन रही है, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ये y इक्वल टू हो जाए कॉस इनवर्स ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2। अब यहाँ पे देखिए कि रूट अंडर ये 1 प्लस एक्स है, ये a है और ये क्या है x है, तो रूट अंडर a प्लस x के फॉर्म में तो पुट क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा, क्योंकि x a के जगह कितना है 1 है, तो जब a प्लस x के फॉर्म में रहेगा तो x इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट करते हैं, लेकिन a के जगह यहाँ पे कितना 1, x इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ से 2 थीटा का पहले वैल्यू निकालेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इधर आएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स x, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x, इसे सब्स्टिट्यूट कीजिए इसको तो हो जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स के जगह पर कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। आगे देखिए ये y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा, दोस्तों 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय में 2, ये 2 से 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ये रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा, वो जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, यहाँ पे सिंपल बचा y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, तो देखिए जिसका इनवर्स और वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है सिर्फ क्या रिजल्ट बचता है थीटा बचता है, हम जानते हैं cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या होता है थीटा, तो cos इनवर्स ऑफ cos एलिमिनेट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या होता है जो एंगल बचता है, तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये और ये तो एलिमेंट हो गया, से बचेगा थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए तो y इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू है क्या, थीटा का वैल्यू कितना है 1 बाई टू कॉस इनवर्स x, यहाँ पे लिख लीजिए 1 बाई टू कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू ये d अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x। आगे देखिए तो d से y को मल्टीप्लाई करते हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है प्रोडक्ट में तो बाहर हो जाएगा, प्रोडक्ट में रहेगा डिवाइड में रहेगा कॉन्स्टेंट क्या होता है बाहर होता है, इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x। अब इसे आगे देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, तो माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख लीजिए यहाँ पे कि dy dx ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 1 इंटू माइनस 1 तो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 2 रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।